इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ओलंपिक के दूसरे दिन हिंदुस्तान के खिलाड़ियों ने फिर जीत के झंडे गाड़े। आज टोक्यो में हिंदुस्तान की नारी शक्ति देखने को मिली। पहले पीवी सिंधु, फिर मनिका बत्रा और थोड़ी देर पहले ही एमसी मैरीकॉम ने भी जबरदस्त जीत दर्ज की और इस जीत के साथ देश के उम्मीदों को और मजबूत कर दिया। इससे पहले कल मीराबाई चानू ने पहले दिन सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच लिया। अब इन खिलाड़ियों ने जीत के साथ अगले राउंड में एंट्री कर ली है। इनसे मेडल पर देश का दावा और मजबूत हो गया है। ये चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये नारी शक्ति का दम इस वक्त आप देख रहे हैं। अब की बार क्या मेडल का पंच एक बार फिर लगेगा, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन तीनों ही महिलाओं ने एक बार हमारी उम्मीदों को जगा दिया है। मुक्केबाजी में 38 साल की मैरीकॉम की धमाकेदार जीत हुई। उन्होंने डोमिनिका रिपब्लिक की 23 साल की बॉक्सर को हराया। इसी के साथ ही राउंड ऑफ 16 में पहुंची। एमसी मैरीकॉम का अगला मुकाबला 29 जुलाई को कोलंबिया की वालेंसिया विक्टोरिया से होगा। वहीं मनिका बत्रा की अगर बात करें तो उन्होंने भी शानदार जीत हासिल की। उन्होंने कड़े मुकाबले में पेसोत्स्का को हराकर अगले राउंड में जगह बनाई है। मनिका बत्रा पेसोत्स्का को 4-11, 4-11, 11-7, 12-10, 8-11, 11-5 और 11-7 से, मतलब आप ये समझिए अच्छा खासा डिफरेंस नजर आ रहा है। उसमें महिला सिंगल्स के तीसरे राउंड में उन्होंने प्रवेश कर लिया है। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।